खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कुदरत की ललकार है ये, ललकार इसलिए क्योंकि बाढ़ के पानी ने प्रचंड रूप ले लिया है। बिहार के 9 जिलों में कहर बरपा रखा है, इनमें से ज्यादातर जिले नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का दर्द समझने के लिए आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स पानी में उतरे हैं ताकि पब्लिक की परेशानी को सरकार तक पहुंचाया जा सके। देखिए निवेदिता शांडिल्य और उत्कर्ष सिंह की मेहनत की बाढ़ में डूबकर उन्होंने ये रिपोर्टिंग करी ताकि सरकार के कानों पर कुछ जू रह जाए। आप भी देखिए। ये लोग हैं जो अभी जो है दूसरे गांव से आ रहे हैं, पानी पूरी तरह से भरा हुआ है बीच में। बच्चे मौत हो गया है। कब हुई मौत? अभी एक घंटे पहले हुई है। हाँ बिहार हूँ मैं, हाँ लाचार हूँ मैं, कहने को तो नीतीश की जागीर हूं मैं, फिर भी परेशान और मजबूर हूं मैं। बाढ़ की विपदा मुझ पर आन पड़ी है, मुश्किल में मेरे बच्चों की जान पड़ी है, और अपनी विपदा को बताने के लिए मुझे ज्यादा शब्दों की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए मेरी बदरंग मटमैली तस्वीरें ही काफी हैं। यूं तो मेरे कई जिले बाढ़ की चपेट में, लेकिन बाढ़ की विभीषिका समझने के लिए बिहार के 2 जिलों सीतामढ़ी और मधुबनी में गले और कमर तक पानी में उतर कर हालात दिखाते एबीपी न्यूज के रिपोर्टर की नजर से इस बाढ़ को समझ लेंगे तो यकीनन बिहार का दर्द आपके भी सीने में उतर आएगा। क्योंकि आज की तारीख में बिहार बदहाल नहीं, बहुत ज्यादा बदहाल है, और मधुबनी जिले का झंझारपुर उस बदहाली का प्रतीक बन चुका है। क्योंकि दूर तक नजर आते बाढ़ के मटमैले पानी के बीच चींटियों के आकार के नजर आते ये वो इंसान है जिन्हें सड़ चुके सिस्टम ने बेसहारा छोड़ दिया है। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। एक गांव से दूसरे गांव जाने वाली सड़कों को सैलाब कब का निगल चुका है। सरकारी नावें यहां पहुंची नहीं, सिस्टम की नजर इधर घूमती नहीं, तो ऐसे में इंसान की जान हथेली पर और उस हथेली में लाठी की पकड़ ही यहाँ जिंदगी का सहारा है। ये लोग हैं जो अभी जो है दूसरे गांव से आ रहे हैं, पानी पूरी तरह से भरा हुआ है बीच में, मगर इनके पास ना नाव है आने के लिए। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं, लोग हैं, ये लोग लाठियों के सहारे ये पूरी जगह जो है, इतनी लंबी चौड़ी जगह है जहाँ पे कितना पानी भरा है किसी को अंदाजा तक नहीं है, वहां पे ये लोग लाठियों के सहारे ये जगह पार करके आ रहे हैं। अब हम पूछते हैं कि क्या सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हुई है ताकि पता चले कि इनका राहत और बचाव कार्य किस तरह से हो रहा है। कहां से आ रहे हैं आप लोग? लोग आईटी वाली से आ रहे हैं। अच्छा, कहां पे ये गांव? ज्यादा दूर है? 3 किलोमीटर दूर है। तो आप 3 किलोमीटर इसी तरह लाठी के सहारे? जी जी। नाव वगैरह नहीं चल रही? नहीं नहीं, कुछ नहीं चल रही है। तो ये जो NDRF वगैरह बचाव के लिए आते वो कोई नहीं आया? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया सरकार की तरफ से। अभी तक कुछ नहीं। मधुबनी के समिया मेहनातपुर तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि सड़क पर बहता पानी पैरों की बेड़ियां बनने में कोई कसर नहीं छोड़ता। हमारी संवाददाता निवेदिता ने गांव पहुंचने के लिए हाथ में चप्पल लिया और गांव वालों ने साथ दिया तो हौसला थोड़ा बढ़ जरूर गया। हम इस वक्त अभी घुस रहे हैं समिया मेहनातपुर गांव में। जी हाँ, इस गांव में जाने का इकलौता रास्ता यही है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे ना नाव चल रही है, ऐसा भी नहीं कि आसपास के लोग भी नाव चला रहे हैं, ना ही NDRF की टीम है यहाँ पे। और जो टीम है भी, हम आपको बता दें कि सिर्फ 2 टीम है। इतना बड़ा इलाका है ये, तमाम गांव इसके अंदर आते हैं, मगर फिर भी सिर्फ 2 NDRF की टीमें यहाँ पे मौजूद है। बाढ़ की मार की हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गांव तक पहुंचने के रास्ते पानी आपका साथ एक वक्त के लिए भी नहीं छोड़ता, और इस गांव तक पहुंचना किसी छोटी मोटी जंग को जीतने से कम भी नहीं। तो दिखा पाते उससे पहले गांव पहुंचते ही पता लगा
कि बाढ़ के पानी ने यहाँ आंसुओं के सैलाब को अपने आप में मिला लिया है, क्योंकि 10 साल की बच्ची अंजलि को ये बाढ़ मौत के अंतहीन रास्ते पर लेकर चली गई और अब माँ के मुकद्दर में आंसू ही तो बचा है। कुदरत पूरे गांव को ललकार रही है, मानो वो ऐलान कर चुकी है कि कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। गांव के कच्चे मकान तो इस बाढ़ से रहम की भीख मांग रहे हैं और गांव की गलियां इस पानी के आगे कब का सरेंडर कर चुकी हैं। ये भी एक घर ही है और यहाँ आप देखिए, एक तो यहाँ पे क्योंकि पक्की जमीन है, यहाँ पे मिट्टी है और यहाँ पे चलना बेहद ही मुश्किल है। ये घर है, अभी इसमें इस वक्त लोग रह रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए आगे का नजारा हम आपको दिखाते हैं। लोगों का कहना है कि घर बह गए, बर्तन बह गए। वहाँ पे लोग हैं, उसमें लोग हैं वहाँ पे। हाँ हाँ, तो लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ से लोग घरों को अपने छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। अब कुदरत की ललकार ने इस गांव के लोगों को घर छोड़ने का आदेश सुना दिया है। घरों में घुटनों तक पानी लगा है, रसोई के चूल्हे डूब गए तो दो वक्त की रोटी का संकट भी पैदा हो गया। घरों के बिस्तर कब डूब जाएंगे कहा नहीं जा सकता, और अगर इस पर सरकार ही उदासीन हो जाए तो लोगों का गुस्सा लाजमी हो जाता है। अभी गरीब के लिए आता है, वो रास्ते में खा जाता है। अब आप लोगों के आरोपों को सुनिए, और अगर आपको गुस्सा नहीं आता, आपको नाराजगी नहीं होती, तो फिर मुझे नहीं पता कि किस चीज को लेकर के लोगों के अंदर गुस्सा होना चाहिए। क्योंकि आप सुन रहे हैं कि लोगों के पास रहने को घर नहीं है, नेशनल हाईवे पे जो है वहाँ पे लोगों को रहना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे 57 है, 57 है ना, यहाँ पे नेशनल हाईवे 57 पे वहाँ पे रहना पड़ रहा है लोग की। आप बातें सुनिए, लोगों का कहना है कि राहत का भी काम नहीं आ रहा है। आप सोचिए कि ये सिस्टम जो है वो कितना सड़ चुका है। लोगों के इस हालत के लिए बाढ़ नहीं जिम्मेदार है, लोगों की इस हालत के लिए बिहार सरकार जिम्मेदार है। कमला नदी इस इलाके में जल तांडव कर रही है, गांव के गांव उस तांडव के सामने त्राही त्राही कर रहे हैं, और इसके तार नेपाल से जुड़े हैं। नेपाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ आई तो नेपाल ने पानी छोड़ दिया। नेपाल का पानी बिहार आया और नेपाल से सटे बिहार के जिलों में बाढ़ आ गई। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में बाढ़ आई तो गांव वालों की जान पर बनाई। और ऐसे हालात में ग्रामीण प्रधान को कोसते हैं प्रधान, सांसद और विधायक को। कह सकते हैं कि कुदरत की ललकार के बीच नेताओं की नीति भी बेकार है, जो इन महिलाओं के डूबने की असल वजह बनी है। अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि बाढ़ हो या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा, सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ती है। जी हाँ, क्योंकि उनके जिम्मे पूरा घर संभालना होता है, उनके जिम्मे बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? समिया मेहनतपुर। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं, कहीं गए हुए थे? हाँ, घर से। अच्छा, घर किधर है आपका? इधर इधर है। किधर है घर आपका? चमटोली। पानी पास? अच्छा, कहाँ? तो कितना पानी है वहाँ पे? इतना पानी है, भर छाती का पानी है। कोई रास्ता नहीं यहाँ पे, यहाँ पे सच में, क्योंकि चारों तरफ पानी है, रोड दिख नहीं रही है। इनके घर जो है वो गले तक पानी में डूबे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसमें बाकी जो सरकारी सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वो कब सोएगा, सुशासन जो है कब अपनी नींद से जागेगा। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज।